तो हमें बताना है जब वो थीटा एंगल टर्न कर जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ठीक है तो यहाँ पे आप देखो तो इस रॉड पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ एम का फोर्स वर्कडन कर रहा होगा बाकी जो फोर्स हिंच पे लग रहे होंगे उनका वर्कडन नहीं हो रहा होगा ठीक है क्यों क्योंकि हिंज पॉइंट का वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है कोई रोटेशन नहीं है क्योंकि वो एक्सिस पे है तो एमजी सिर्फ एक्ट करा इसका मतलब क्या है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्जर्व रहेगी क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है ठीक है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो इस पोजिशन पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वही इस पोजिशन पर मैकेनिकल एनर्जी होगी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसलेशन और एक रोटेशन तो ट्रांसलेशन पे हम जीरो बोलेंगे क्योंकि ये प्योर रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट ठीक है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करता है ठीक है तो इन दोनों का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा इस रॉड के मोशन में तो इनिशियली रेस्ट पे था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी फाइनली वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा और अगर आप यहाँ पे देखो तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ था अब ये भी रोटेट किया होगा और यहाँ पे आ गया होगा तो आप देखोगे तो लेवल में चेंज हुआ होगा और इस लेवल में चेंज के कारण पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा ये चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ वो फाइंड करते हैं तो सपोज ये हमारा रॉड था इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास है हमारा ठीक है अब ये कुछ थीटा एंगल घूम गया ठीक है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आ गया होगा ठीक है तो हमें क्या फाइंड करना है हमें ये लेंथ फाइंड करनी है ये लेंथ हमें पता है वो कितना है एल बाई टू तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम ये लेंथ फाइंड कर लें तो हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये लेंथ हमें मिल जाएगी तो आप देखोगे ये भी एल बाई टू होगा सेंटर ऑफ मास तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो आप इस ट्राइंगल को देखो ये राइट ट्राइंगल है तो इस लेंथ की वैल्यू आप लिख सकते हो एल बाई टू कोस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल बाई टू माइनस एल बाई टू कोस थीटा और ये क्या है चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो डेल्टा पी आप क्या लिखोगे मास इंटू जी इंटू एच एच की वैल्यू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है उसका इनफैक्ट मैग्नीट्यूड है ठीक है अब ये किसके एक पल होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है शुरुआत में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसलिए चेंज जो होगा वो सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एम जी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ओमेगाक्वायर आई की वैल्यू आप देखोगे अगर आपके पास कोई रॉड है और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर और एक एंड से जाती हुई एक्सिस उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है वो क्या हो जाएगा ऑफ रॉड तो इस केस में भी हम लिखेंगे बाई थ्री तो हम उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन या रोटेशन यहाँ इस केस में हो रहा है ठीक है तो एल M, M यहाँ पे कैंसिल और ये टू कैंसिल तो ओमेगा स्क्वायर आप देखो तो क्या आ जाएगा थ्री जी वन माइनस को आप लिख सकते हो थ्री जी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये बाई एल अब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको आएगा सिक्स जी बाई एल रूट अंडर सिक्स जी बाई एल और ये साइन थीटा वाई टू तो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है